कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इन दिनों कोविड 19 के नाम पर आपदा को अवसर में भी बदला जा रहा है। संभल से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां एक बेटा और बेटी अपने माता पिता के शव लेने के लिए घंटों अस्पताल के बाहर खड़े रहे, लेकिन अस्पताल शव देने के नाम पर उनसे 1,35,000 रुपए की मांग करने लगा। वहीं कई घंटों के इंतजार और मीडिया के हस्तक्षेप के बाद अस्पताल प्रशासन ने परिजन को शव सौंप दिए हैं। दरअसल पूरा मामला संभल सदर के एशियन हसीना बेगम L2 अस्पताल का है, जहां अंश सिंह का आरोप है कि उनके माता पिता को कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ ने लापरवाही के कारण कोरोना से शनिवार को मौत हो गई। हद तो तब हो गई जब अस्पताल प्रशासन शव देने के नाम पर उनसे 1,35,000 रुपए का बिल भरने की मांग करने लगे, वहीं पैसे न देने पर शव देने से इनकार कर दिया। मैंने अपने माता पिता को यहाँ को 19 तारीख को भर्ती करवाया था यहाँ पे डायरेक्ट, तो उन्होंने क्या कहते हैं कि वो भर्ती कर लिया और एक को ICU में और एक को वार्ड में रख दिया, और ये भी नहीं पता कौन से उसमें रखा। तो मैं उसके बाद मेरी मदर को 3 दिन कोई ख्याल नहीं रखा, ये स्टाफ भी नहीं आया ना दवाई लगाने आ रहा है कोई, मैं दवाई लाऊँ ना खाना देने आया। उसके बाद तीसरे दिन क्या कहते हैं मेरे मम्मी बाथरूम में गिर गई होंगी 2-3 बार, ये भी किसी ने इन्फॉर्म नहीं करा, उसका कहीं शिफ्ट कर दिया, मुझे बेड नंबर भी नहीं बताया डॉक्टर। अब मैं अब बॉडी लेने की बात हुई तो कहना पहले बिलिंग करा के लाओ, फिर उसके बाद बॉडी मिलेगी आपको। 1,35,000 रुपये का बिलिंग बैठाई है जिसमें कोई केयर नहीं हुई ना कुछ हुई है। नहीं, इस तरीके का हमारे उसमें संज्ञान में मामला आया, ये एशियन हॉस्पिटल को हमारी तरफ से अधिकृत किया गया है जो गवर्नमेंट के रेट पे इलाज करेगा, और 25% बेड हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए दे रखे हैं। जो भी पेशेंट हमारी तरफ से रेफर होके जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा, उसका पेमेंट सरकार की तरफ से किया जाएगा। लेकिन जानकारी होने में पता चला कि ये प्राइवेट तौर पे ये मरीज भर्ती हुए थे और सिर्फ मात्र 9,000 रुपये इनकी तरफ से जमा हुए थे। जैसे ही मामला संज्ञान में आया उसके बाद इन्हें बॉडी हैंड ओवर करा के सब कुछ क्लियर करवा दिया गया, ऐसा कोई अब इशू बचा नहीं।